हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ड्रीम सक्सेस में आज फिर मैं आपका स्वागत करूंगा, है ना। बोरिंग से लाइन होगी ना, एक ही लाइन बार बार, कुछ चेंज करेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में, बारिश हो रही है बाहर, वीडियो हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। थोड़ी सी साउंड की दिक्कत आएगी, है ना, आवाज आ रही होगी आप लोगों को, थोड़ी बजिंग आ रही है, ये सब बारिश का काम है, ठीक है। तो जितना साधन है जिस हिसाब से उस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री का पार्ट 4 अपनी कमी है, जिसके पांचवें पार्ट की बात करते हैं। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज कुछ बाकी रह गई थी, वो आप क्लियर कर लेते हैं। आज जो अभी पहला हमारा टॉपिक रहेगा इसका ट्राइंगल में, वो रहेगा इन सेंटर। इन सेंटर जिसे आप हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्र, केंद्र जो अंदर की तरफ है। अगर किसी त्रिभुज के अंदर किसी वृत्त को बनाया जाए, ठीक है, डायग्राम ड्राइंग में ज्यादा अच्छी नहीं बेटा, पर देख रहे, है ना। किसी त्रिभुज के अंदर किसी व्रत को अगर बनाया जाए तो ऐसा व्रत कहलाता है अंतः व्रत। ये जो व्रत कहलाएगा ये कहलाता है अंतः व्रत। इसी तरह से अगर मैं एक व्रत बाहर ड्रॉ करूं तो ये मेरा कहलाता है परिव्रत। इसे क्या बोलते हैं, परिव्रत। परि यानी चारों तरफ से जो व्रत बन रहा है किसी त्रिभुज के, अंतः व्रत परिव्रत। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हमेशा ध्यान रखना, अंतः व्रत जो होता है वो परिव्रत से छोटा होता है। अगर अंतः व्रत परिव्रत से छोटा है तो इसकी त्रिज्या इससे छोटी होगी। अंतः व्रत की त्रिज्या परिव्रत की त्रिज्या से छोटी होगी, यानी अंतः त्रिज्या परित्रिज्या से छोटी होगी। तो क्वेश्चन में कभी भी कहीं पे भी अगर आपको अंतः व्रत की त्रिज्या और परिव्रत की त्रिज्या का अनुपात पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना कि अंतः व्रत छोटा और परिव्रत बड़ा, कई बार ऑप्शन से आंसर आ जाता है, इसलिए ये चीज को ध्यान रखना, क्लियर है। अभी हम अंतः व्रत की बात करने वाले हैं, परिव्रत की बात नहीं करने वाले हैं। तो परिव्रत को मैंने यहां से आपका हटा दिया। अंतः व्रत की जो त्रिज्या है उसे अंतः त्रिज्या बोलेंगे, अंतम त्रिज्या, ठीक है, इन रेडियस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इन रेडियस, ठीक है। अंतः व्रत को क्या बोलोगे, इनर सर्किल। अब जिस व्रत का जो केंद्र है, इस व्रत के केंद्र को ही आप अंतः केंद्र कहते हो, और इसी पे क्वेश्चन आपका आता है कि इन सेंटर ये है। यहां तक समझ में आ गया। अब अगर त्रिभुज को मैंने यहां क्यों लिया, सर आप सर्कल तो पढ़ा नहीं रहे हो, आप पढ़ा त्रिभुज रहे हो और उसमें आप सर्कल लेके आ गए, तो सर सर्कल को हम यहाँ पे हटा देंगे, सर्कल की बात अब हम यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए था। अब मैं बनाता हूं वापस से ट्राइंगल। तो अगर कोई ट्राइंगल या त्रिभुज हमारे पास दिया गया हो जिसका नाम मैंने दिया है एबीसी, तो इस एबीसी त्रिभुज के अंदर कोई अंतः केंद्र यहां बीच में होगा। तो सर आप निकालोगे कैसे अंतः केंद्र, ये बताओ हमें। तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों को अगर आधा आधा में बांटने के लिए कोई लाइन ड्रॉ करूं, यानी मैं कोण समद्विभाजक खींचूं, अंतः कोण अंदर का कोण है, इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर बाइसेक्टर, अगर एंगल बाइसेक्टर में ड्रॉ करने लगू जो इन ए बी सी नाम की कोणों को आधा आधा बांट दे, मतलब अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा, ये गामा है तो ये भी क्या होगा आपका, गामा, क्लियर है। अगर इनके अंतः कोणों को मैं समद्विभाजित कर दूं तो जो कटान बिंदु है, जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका क्या कहता है, अंतः केंद्र कहलाता है। और इसी के साथ में मेरा एक मार्क पूरा हुआ, क्यों, क्योंकि बेटा एलडीसी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा केंद्र है, ऐसा कौन सा बिंदु है जिसको आप त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजन के पश्चात प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से जो पॉइंट आपको इंटरसेक्टर पे पॉइंट प्राप्त होगा वो अंतः केंद्र या इन सेंटर कहलाएगा। ये आपको निकालने की आपकी बात ही दसवीं क्लास में, आठवीं क्लास में रेखागणित में आपने ये की निकाली होगी, याद है, यहां से चाप रख के ऐसे एंगल बनाते थे, फिर यहां रख के कुछ इस तरह से करते थे, हाँ। तो मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि काम ही नहीं पड़ता। यहां तक क्लियर हो, अंतः केंद्र क्या होता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे, अंतः केंद्र पे क्वेश्चन क्या बनता है, किस तरह से इसको काम में लेते हैं। देखो बेटा, एक चीज आपने देखी होगी कि इस तरह का कुछ सिस्टम आपका यहाँ पे बैठता है, ठीक है। मैं अंतः केंद्र ये है आपका, और मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है। आगे की लाइन का हमारा कोई यूज नहीं है, सिर्फ वो शो करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ए बी सी,
तो जो ये इसको मैं अंतर केंद्र को ओ बोल दो या इन सेंटर है तो चलो आई ही बोल देते हैं। आई जो है आपका है ना, खाना बनने की आवाज आ रही होगी आपको है ना, तो इन सेंटर का जो आई है इसका जो एंगल है ये एंगल, तो एंगल बी आई सी जो है वो क्या होता है उसको निकालने के लिए आपको 90 डिग्री के अंदर हाफ ऑफ एंगल बी ए सी जोड़ना होगा। यानी कि अगर इस कोण को मुझे ज्ञात करना है तो मैं 90 प्लस ये छोटे वाला आधा कोण, क्योंकि देखो ये दोनों आधे आधे है ना, ये अल्फा है ये भी अल्फा है ना, अगर ये 2 अल्फा है तो मैं अल्फा जोड़ूंगा, अगर ये पूरा अल्फा है तो मैं अल्फा बाई 2 जोड़ूंगा। यानी इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस कोण का आधा प्लस 90 कर दूंगा, तो मेरे पास ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा। प्रूफ पे आपको नहीं जाना है, काफी टीचर सिर्फ प्रूफ बता के अपनी पॉपुलैरिटी गेन करते हैं कि सर हमें तो प्रूफ बताया है ना, अच्छा सा नॉलेज है हमें। बेटा नॉलेज लेकर के चाटोगे एग्जाम में तो नहीं पूछता आपको, तो आपको कॉम्पिटिशन लेवल पे प्रूफ की जरूरत नहीं है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना ठीक है। अब क्वेश्चन में कई बार ये भी नहीं बोलता कि इन सेंटर है, क्वेश्चन में कई बार इन सेंटर नहीं बोलता, क्या बोलेगा कि भैया एक त्रिभुज एबीसी है, कोण बी और सी के समद्विभाजक किसी बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो कोण बी ओ सी, इसको ओ बोलेगा वहां पे ठीक है, ओ कोण बी ओ सी आपको दे देगा, ये वाला एंगल आपको दे देगा और आप पूछ लेगा कोण ए बताओ, या कोण ए दे देगा और पूछ लेगा कोण बी ओ सी बताओ ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है वो इन सेंटर बोले, अगर इन सेंटर बोलेगा तो आपको पता है इसका 90 का आधा और प्लस सॉरी 90 प्लस ए का आधा, और अगर इन सेंटर नहीं बोलता तो कौन समद्विभाजक बोलेगा, इसलिए दोनों बात आपको पता होनी चाहिए। अब कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, इसका डायग्राम तो ऐसा है पर अगर आपको एंगल ये दे दिया तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी सर ये भी तो वही है, ये भी तो वही एंगल है, इसका आधा जुड़ जाएगा क्या होगा 90 प्लस हाफ एंगल सी ठीक है। अगर एंगल ये पूछ लिया जाए ए ओ सी तो क्या हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल क्या आएगा इसके सामने वाला बी ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना इन सेंटर या कोण समद्विभाजक का जो अर्धक है जहां मिलते हैं उस पॉइंट से अगर एंगल निकालना है तो उसके सामने वाले का हाफ प्लस 90, इतना सा आपको यहां पे ध्यान रखना। ये क्लियर हो गया, ये तो बात थी अंतर कोण समद्विभाजक की। पर अगर गलती से उसने एग्जाम में पूछ लिया कि कोण बी और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक, मतलब ये इंटीरियर एंगल बी है तो ये एक्सटीरियर एंगल बी है कि नहीं, मैं आलोक पेन से बता देता हूं, ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ बी है बाह्य कोण, अगर इसके समद्विभाजक को कहीं मिलाया जाए, ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी है इनको मिलाया जाए तो इस तरह से सर एक बी ओ डैश सी एक एंगल बन रहा है, इस एंगल की वैल्यू बताओ हमें। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, बहुत छोटी छोटी चीजें हमेशा ध्यान रखना, एक कि इन दोनों एंगल के अंदर बस इतना ही डिफरेंस होता है कि एंगल बी ओ सी जो है वो आपका बी ओ सी जो है वो 90 प्लस हाफ ए होता है, वैसे ही एंगल बी ओ डैश सी जो कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बाह्य कोण समद्विभाजक से बना है वो 90 माइनस हाफ ए होता है। बाहर का आदमी हमेशा छोटा ही होता है बेटा, तो बाहर का आदमी छोटा है, 90 में से घटाओगे तो छोटा हो जाएगा, 90 में जोड़ोगे तो बड़ा हो जाएगा, तो बाहर का आदमी छोटा है यानी कि हमारा बाहरी जो कोण बनेगा वो छोटा बनेगा 90 से और अंदर का 90 से बड़ा बनेगा, 100% ट्रूथ है। और क्या निकल के आता है इससे, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं बीओसी प्लस एंगल बी ओ डैश सी को जोड़ दूं तो क्या ये हाफ ए हाफ ए कट जाएगा, तो क्या आएगा 180 डिग्री, मतलब इन दोनों कोणों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। अगर इन दोनों का 180 डिग्री होता है तो मैं इस त्रिभुज चतुर्भुज को मैं अलग लिख ले रहा हूं, देखो ये बी है, ये ओ है, ये सी है और ये क्या है ओ डैश है, क्या ये चतुर्भुज है, इन दोनों के कोणों का सम मैंने कितना बताया 180 डिग्री, तो क्या इन दोनों के कोणों का सम भी 180 डिग्री होगा क्या, क्यों होगा, चतुर्भुज है, चार भुजाएं, चार कोण, चार भुजा का जो भी त्रिभुज चतुर्भुज बनता है, त्रिभुज होता है ना, चतुर्भुज बनता है उनके सम कितना होता है 360, अगर 180 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 180। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा कि इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम भी 180, यहां तक क्लियर हुई बात ठीक है। आगे चलें, कुछ और चीजें भी देखते हैं इसके अंदर ठीक है, देखते हैं इसके अंदर एक चीज और देख लो, अभी तक ये बताया इन दोनों का सम 180, एक चीज और बताऊं क्या, मैं मेरा मन कर रहा है बताने का, चलो बता ही देता हूं आप लोगों को,
देखो क्या है कि एक सेकंड है ना, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए सिर्फ इस चीज को, ताकि आपको एंगल्स की जो क्लैरिटी है वो पता चल जाए। देखो ये अगर अल्फा है तो क्या ये अल्फा होगा, ठीक है, टोटल कितना हुआ ये 2 अल्फा, ठीक है, ये सीधी लाइन है, अगर ये 2 अल्फा है तो ये होगा 180 माइनस 2 अल्फा, ठीक है, ये 180 माइनस 2 अल्फा है, ये कौन सुन दी वाजे के, तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस अल्फा और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ दूं तो अल्फा से अल्फा कट गया तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना जो ये चतुर्भुज बताया था मैंने, इन दोनों का सम तो 180 होता ही होता है और ये हमेशा एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री के, तो अंतः कोण और बाह्य कोण समद्विभाजक हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं बेटा, तो कुछ भी नहीं है, इसको सब कचरे को हटा दो तो आपको ये चीज पता चलने आएगी कि अगर बाह्य कोण समद्विभाजक और अंतः कोण समद्विभाजक हमेशा कितने का कोण बनाते हैं 90 डिग्री हमेशा। देखिए क्वेश्चन आया है एग्जाम में, एसएससी मेंस में एक बार पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि अंतः कोण और बाह्य कोण समद्विभाजक किसी एक बिंदु पर बन रहे हैं तो उनके मध्य बनने वाले कोणों का मान कितना हो सकता है, तो वो हमेशा 90 ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर है, चले क्वेश्चन पे, अच्छी चीजें पता चल गई, अंदर बाहर 90 सम 180 खत्म, आगे क्वेश्चन देखते हैं इसको, ठीक है। पहला क्वेश्चन आज का, ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, ओ इज द सेंटर ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, कोण ए दे रखा है, बीओसी पूछा है, दिमाग मत लगाना 1% भी डायग्राम बनाने की सोचना भी मत, ए बी सी बीओसी याद आ रहा है, ठीक है, ए बी सी ओ यहां आएगा तो बीओसी ये पूछा है, ये पूछा है, ये दे रखा है तो 90 प्लस हाफ ऑफ ए 90 प्लस 15 कितना हो गया 105, यहीं पे क्वेश्चन खत्म। नहीं समझ में आया बता दे रहा हूं, मजबूरी है बताना कि कुछ बच्चों को नहीं आता, पर समझना पड़ेगा बेटा, कंपटीशन है, 80 लाख बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम में, 80 लाख की क्वांटिटी जाती है, रेलवे में जाती है करोड़ों में, सवा करोड़ है ना, एनटीपीसी क्लास एग्जाम में सवा करोड़ लोग बैठे थे, कहां सर्वाइव करोगे, करना पड़ेगा बेटा, ये चीज करनी ही पड़ेगी, मस्ट है आपके लिए, ठीक है, करवाऊंगा मैं, पर करनी तो पड़ेगी आपको, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ए बी सी ओ अंतर के अंदर बी ओ सी ये वाला एंगल बनेगा, वही डायग्राम बनाओ, वहां कोई डाइटिंग मार्क्स नहीं मिलने वाले, ये आपको 30 दे रखा है, ये कितना है 90 प्लस हाफ, तो यहां पे डायग्राम बनाएंगे तो इतना सोचो 90 और आधा कितना 15, 90 10 100 100 और 1 105 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, ओ इज द सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, डी भुजा बीसी पर इस प्रकार है कि ओडी लंब है बीसी पर, पॉइंट डी इज प्लेस्ड ऑन बीसी सच दैट ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी, इफ एंगल बीओडी इक्वल्स टू 15 डिग्री, यदि कोण बीओडी 15 डिग्री है तो एबीसी बताओ। डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं है मेरे को, पर आपको जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ए बी सी ओ आएगा खत्म, मत ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, मुझे तो पता है इसलिए मेरे को नहीं करने की जरूरत, पर आप कर सकते हो, इन सेंटर का क्वेश्चन है, इस तरह का डायग्राम बनाओ, ओडी परपेंडिकुलर बीसी पे, ओडी परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का बनाएगा, ठीक है, ये एंगल आपको दे रखा है कितना, वी ओ डी 15 दे रखा है, ये 90 ये 15 तो ये क्या 75 होगा, ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा 75, क्यों मैंने बताया था इन सेंटर है तो कौन कौन सी बाजू बनेगा 75, 75 कितना 150 डिग्री एंगल एबीसी पूछा है, ए बी सी, क्लियर हो गया यहां तक, क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, चले आगे पक्का, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी सी दे रखा है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा है, त्रिभुज एबीसी ड्रॉ कर लेते हैं हम, त्रिभुज एबीसी में कोण बी दे रखा है 80 डिग्री, कोण सी दे रखा है 30 डिग्री, बीओ एंड सीओ आर द एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर का मतलब हो गया बाह्य कोण समद्विभाजक, बीओ सीओ मतलब बी ओ यहां आएगा सी ओ यहां आएगा, मतलब यहां ओ पे ही मिल रहे हैं, कोण एबीसी एंड एसीबी रिस्पेक्टिवली, ए बी सी का कोण बाह्यसर और ए सी बी का बाह्य कोण समझा जाए, क्लियर, अब एंगल बीओसी पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, बोलो तो बहुत सारे तरीके, पहला तरीका 80 प्लस 30 कितना हो गया 110,
तो ये कितना होगा, 70 होगा। क्यों होगा 70? इसलिए होगा बेटा क्योंकि टोटल तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये कितना आ गया 70, 70 30 100 और 80 180। ये यहां यहां क्या था 90 माइनस हाफ है, तो 90 माइनस 70 का था 35, कितना आ जाएगा इसके अंदर बोलो फटाफट, टाइम नहीं हमारे पास, 55 आएगा क्या? ठीक है, कैसे जोड़ना है, 5 3 8 9 आ रहा है, एक यहां से आ जाएगा। दूसरा तरीका 80 है, बताया था 90 होता है तो 10 ही आएगा, बताया था 90 है 30 है तो ये कितना आएगा 60, 60 और 10 70, 110 की जरूरत है, तो यहां पे नहीं आ रहा। अब क्या गड़बड़ हुई मुझे तो ये बताओ, क्यों नहीं आ रहा है आंसर, 90 बताया तो था मैंने आपको, नहीं समझ में आ रहा, आएगा। देखो मैंने इसका बोला था कि जो कोण समद्विभाजक होता है, ये कोण समद्विभाजक और ये दोनों मिलके 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ये अगर 80 है तो ये कितना होगा 40, अगर ये 40 है तो ये 90 के लिए कितना चाहिए इसको 50, तो ये 10 नहीं होगा बेटा 50 होगा। ये गलती एग्जाम में होती है, ज्यादा चीज पता होती है ना आदमी को तो ज्यादा भूल करता है। ठीक है 30 है तो ये 15, 15 है तो यहां कितना आएगा बोलो, अब 60 थोड़ी नहीं आएगा, अब कितना आएगा 75। अगर यहां 75 है और अभी देखो 55 हमारे पास आंसर है, तो यहीं से आंसर से देख लेते हैं, 50 50 100 170 और 5 5 180, तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो ज्यादा चीजें पता भी होनी चाहिए पर उनको संभालना भी चाहिए, वो कहते हैं ना ग्रेट पावर्स कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो चीजों को संभालने के लिए पावर्स होने से ज्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको संभालनी पड़ती है। यहां तक क्लियर है कंसेप्ट? एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, आपको मैंने ये बताया था इन सेंटर, अगर ये केंद्र है तो क्या ये इसकी त्रिज्या होगी, क्या ये भी इसकी त्रिज्या होगी, क्या ये भी इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या ये एक स्पर्श रेखा है, ए बी है जो इस वृत्त ओ की, केंद्र ओ की स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, तो टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे काटती है, तो ये वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि ये तीनों त्रिज्या है तो तीनों ये बराबर होंगी, तो मेरा एक पॉइंट यहां से निकल के आता है कि जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स, यानी भुजाओं से क्या होता है समान दूरी पे होता है। ये देखो ये सीधी दूरी, दूरी कैसे निकालते हैं, लंबवत दूरी को निकालते हैं हमेशा। ठीक है, तो लंबवत दूरी जो है वो इन तीनों की क्या सम होगी, समान होगी, अंतः केंद्र भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। क्लियर है, परिकेंद्र में क्या होता है वो ऊपर वाले से समान दूरी पर होता है, क्यों होता है देख लो, शीर्ष से यहां से उसकी त्रिज्या ही होगी। ठीक है, आने वाले इसमें बताऊंगा, अभी के लिए देखो भुजाओं से समान दूरी पे कौन होता है, इन सेंटर होता है। यहां तक क्लियर, इन सेंटर का खर्चा खत्म। ठीक है, नया चेक फाड़ते हैं एक सरगम सेंटर का, तो अब हम फाड़ेंगे सरगम सेंटर यानी कि आपका बही केंद्र, सरगम सेंटर। ठीक है, चलेगा ना, परिकेंद्र। ठीक है, बही केंद्र भी बोल देते हैं कई लोग इसको। ठीक है, हालांकि इसको मैंने कम सुना है पर कई टीचर्स बोलते हैं, तो मैं भी वही केंद्र लिखना चालू करा, क्योंकि वही केंद्र कुछ बच्चों को वो समझ में आता है। क्या होता है शॉर्ट में समझ लेंगे, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाहर अगर कोई सर्कल खींचा जाए और उसका जो सेंटर है वही क्या कहलाता है, सर्कम सेंटर कहलाता है। बनता कैसे है ये इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी भुजा का लंब समद्विभाजक, किसी भी त्रिभुज की भुजा ये है, इसका लंब समद्विभाजक याद है, यहां से प्रकार आधा खोलते हैं ज्यादा, तो यहां एक चाप काटते थे ऐसे, देखो ऐसे एक चाप यहां काटा, फिर यहां खोल के फिर एक चाप यहां काटा। ठीक है, फिर इसी तरह से यहां काटते थे और एक यहां काटते थे, फिर इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचते थे। ठीक है, तो ये जो लाइन आती थी ये इन दोनों को बराबर भागों में बांटती थी और ये 90 डिग्री भी होती थी। ठीक है, तो इन रेखा को जो मिलाने वाला बिंदु होता है, जो लंब समद्विभाजक को मिलाने वाला जो बिंदु होता है, वही आपको क्या होता है, परिकेंद्र। मतलब इस सेंटर को आप प्रकार रख के अगर सर्कल बनाओगे इतनी दूरी का, तो वो क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। क्लियर है, अब देख लो इसकी रेडियस ये तो है नहीं, क्यों नहीं है, यहां पे सर्कल थोड़े ना है, तो इसको आप हटा दो यहां से। तो अगर यहां से अगर मैं देखूं तो ये आर कैपिटल आर बोलते हैं सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस को। ठीक है, परिवृत्त त्रिज्या को कैपिटल आर से बोलते हैं, अंतर त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। यहां तक क्लियर हो, कैपिटल आर है ये इसकी क्या होगा, क्लियर। इसमें क्या होता है, इसमें यही समझ लेंगे, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना। ये हो गया एंगल, इस एंगल की बात करेगा सर, पहले था ये 90 प्लस हाफ ऑफ ए, यहां पे कुछ नहीं होगा,
टू ए हो जाएगा। इस एंगल का डबल ये होता है। अगर इस एंगल की बात करूंगा मैं तो ये क्या होगा टू सी, यानी इस एंगल का क्या होगा डबल। इस एंगल की बात करूंगा तो टू वाइस ऑफ एंगल बी। यहां तक समझ में आ गया, जो भी कोण होगा वो क्या होगा इसका डबल होगा। यहां तक क्लियर है, चले आगे। इसके बाद बात करते हैं हम ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र, कोई ज्यादा मोटी चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है। क्या है कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर सामने वाले शीर्ष से, किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब अगर मैं डालता हूं तो जहां ये पॉइंट मिलता है वो पॉइंट आपको क्या कहलाता है, लंब केंद्र। ठीक है, अब एक बात बोलोगे, कंफ्यूजन बहुत सारा होगा। अब बोलोगे सर यहां पे अगर ये लंब है तो क्या ये परिकेंद्र नहीं हो गया, क्यों? क्योंकि परिकेंद्र में भी तो लंबवत एक तो आ रहा था। बेटा लंबवत तो था पर वो इन दोनों को बराबर भागों में भी बांट रहा था। अगर ये बराबर भागों में बांटता तो ये क्या हो जाता, परिकेंद्र भी हो जाता। पर यहां बराबर भागों में बांटा ऐसे जरूरी नहीं है, कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें बराबर भागों में बांटता है वो समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में होता है, वो एक अलग चीज है। यहां पे अगर जनरल बात करें तो बराबर भागों में बांटे ऐसा जरूरी नहीं है, तो ऐसा बिंदु क्या कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा। अब लंब केंद्र की क्या खासियत होगी वो भी आपको देखनी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये एंगल और ये एंगल का जो सम है वो मान लेते हैं एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ए सी जो है, इनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर आपका होता है। यहां तक क्लियर हुई कहानी कि नहीं हुई? ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन लिख लो आप। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं। अच्छा लिखोगे कहां से, लिखवा ही देता हूं। इन ट्राइंगल एबीसी ओ एस ऑर्थो सेंटर, ओ जो है वो क्या है, लंब केंद्र है। कोण बी ए सी जो है वो 40 डिग्री उसने दे रखा है और आपसे पूछा है एंगल ए बी सी। सिंपल क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी, ड्राइंग ड्रॉ करना चाहो तो कर लो, लेकिन जरूरत नहीं है। एबीसी वो परिकेंद्र सा लंब केंद्र है। ठीक है, और आपको बोला है बी ए सी दिया है, बी ए सी ये वाला एंगल दे रखा है कितना 40 डिग्री और एंगल एबीसी पूछा है। बताओ एबीसी कैसे निकालोगे, सॉरी बीओसी, बीओसी तो निकलेगा, बीओसी निकालना है। आपको पता है इसका और इसका सम कितना 180, तो ये कितना हो जाएगा 140 होगा कि नहीं होगा ये बताओ मुझे तो फटाफट, जल्दी जल्दी। क्लियर है 140 और 40 180 क्लियर हो गया, दोनों का सम 180 यहां पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपने, अगला क्वेश्चन पढ़ लो। त्रिभुज एबीसी में कोण सीएबी 80 डिग्री है, कोण एबीसी 50 डिग्री। ठीक है, एई बी एफ और सी एफ शीर्षों के सामने वाली भुजाओं पर लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर ऑन द इन फ्रंट ऑफ साइड, जो जो फ्रंट साइड है उसकी है परपेंडिकुलर। देखो ए बी सी, ठीक है एंगल नहीं बना रहे, ए बी एफ और सी डी, क्लियर है, ये तीनों परपेंडिकुलर उन्होंने ड्रॉ करवा दिए। अब इसने बोला एंगल, इसने बोले हैं सी ए बी, ये वाला एंगल बोला है इसने 80, एबीसी की बात करें एबीसी ये बोला है 50, और अगर ये 80 ये 50 ये कितना होगा पहले ये बताओ, बोलो 130 हो गया दोनों सम, तो ये कितना हो जाएगा 50 होगा कि नहीं होगा, क्लियर से सच्ची सच्ची बताओ 50 होगा, सच्ची सच्ची बताओ ना भाई। देखो 50 100 और 80 180 हो गया, अगर ये 50 है तो क्या ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, क्यों लंब समद्विभाजक, सॉरी समद्विभाजक नहीं होते, लंब तो होते हैं ना। अगर मैं इस चतुर्भुज की बात करूं, इस वाले की देखना ध्यान से, अलग से इसको अलग कट करके देख लिया हमने, ठीक है ये 90 ये 90, क्या इन दोनों का सम भी 90 हुआ क्या? अगर ये 50 है तो क्या इनका जो मान है वो 130 होगा, क्योंकि 130 और 50 180 होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। मार कर गया भाई, मार कर गया, ठीक है 360। ठीक है, इसमें ये 90 ये 90 मतलब 180 हट गया, बचा कितना 180, 180 में से ये 50 हटा दो कितना बचा 130,
130 बचा और कोण मेरे पास एक है तो ये 130 हो गया। अगर ये 130 है तो क्या ये शीर्षाभिमुख कोण हो रहे हैं? क्या देखो ये दो लाइन आपस में काटती हैं, तो ये जहां चोंच मिलती है वो मैंने आपको एंगल बताया था ना 130, ये 130 हो गया। पूछा क्या है ये देख लेते हैं, कोण ए ओ, ये ओ है इसका, बोला है कहीं ना कहीं ओ लंब केंद्र है, ओ जो है वो ऑर्थो सेंटर है, ए ओ बी ये वाला एंगल इसने पूछा है, तो बताओ कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो। इसका निकालने का एक ही तरीका है सर, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। कुछ गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़ हुई है, एक सेकंड रुकना। ये वाला जो एंगल, अच्छा ये कोण, ये पूरा 130 था बेटा, ये 130 था, तो मैं इसको नहीं ले रहा हूं, मैं इसको लूंगा, ये दो लाइन है ना, बीच में ज्यादा हो गई है, एक बार वापस से डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे। ए बी सी, ठीक है, ए बी एफ और सी, ठीक है। अब एंगल आपको बताइए, ये कितना था 80, 50, 50, ये कितना आ गया था 130, ये 130 आ गया, तो इसके शीर्षाभिमुख कौन कौन सा होगा? इसके शीर्षाभिमुख, इसकी चौंक किससे मिलेगी? इससे मिलेगी, इस वाले से, ये वाला, ये और ये ही तो एंगल ए ओ बी है, इसका मान कितना आ गया 130, ठीक है, वरना तो सीधा है, अगर इसको देखे तो डायरेक्ट 180 आता है आंसर, ठीक है, 130 आपको क्या होगा यहाँ पे आंसर, क्लियर है? यही हम हमारा इन सेंटर ऑर्थो सेंटर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में देखते हैं क्या कि अगला और क्या चीज हमें पढ़नी है, वो चीज हमें अभी अभी आगे तो क्या पढ़े, अभी मैंने अभी चेक किया आधा घंटे का वीडियो हो चुका है, ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो फिर आप लोग भी नहीं पढ़ते, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कुछ एक प्रॉब्लम्स और रहेगी, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, अंतः कोण संधिभाजक प्रमेय, बाह्य कोण संधिभाजक प्रमेय है, उसके अलावा कुछ और प्रमेय हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि क्या अगले ही वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है, जल्दी एक बार वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अभी के लिए भाई, ठीक है, गुड नाइट, पढ़ते रहो और मेहनत करो बेटा, है ना, सिलेक्शन होगा तो मजा आएगा फिर, ठीक है, चल मिलते हैं।